मॉर्निंग में फॉलो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जर्नलिस्ट सरस्वती सिंह के। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास की फर्स्ट बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये बुक का नाम है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र के साथ हम एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं जो एक इकाई के रूप में होता है, ठीक है। जैसा कि अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है, ठीक है। इन इस लाइन से ही इस सबका अर्थ पता चल जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता क्या है। आप जब एक डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, इसका उदाहरण है जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आदि, यानी कि एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया। हाँ, तो मैंने अभी आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में भेद मतलब कि उसकी परिभाषा बताई थी, अब हम उसमें अंतर पढ़ेंगे, इन दोनों का अंतर पढ़ेंगे। अंतर में देखिए क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे आपको मैंने पहले बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यक्तिगत इकाई के अध्ययन के रूप में अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला भेद यही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसका दूसरा जो अंतर है वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, कीमत का निर्धारण। इसकी मुख्य समस्या जो है वो कीमत का निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य समस्या है रोजगार आय का निर्धारण। इसका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय व रोजगार के निर्धारण की समस्या है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत के निर्धारण की समस्या है। ये इसके दो अंतर हैं, एक अंतर हो रहे हैं वो मैं आपको भी बता दूँ थोड़ी देर। हाँ, तो ये थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें थर्ड भेद है इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन यानी उसे अच्छे तरीके से बांटना है, आवंटन मतलब बांटना होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संपूर्ण रोजगार व विकास से होता है, संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के परिभाषा क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, इस सब के बारे में। अर्थव्यवस्था का आर्थिक परिभाषा, हम इसको अर्थ भी कह सकते हैं, परिभाषा भी कह सकते हैं, या एक तरीके से अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिससे लोग अपनी जीविका कमाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कमाते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान। एक सिंपल डेफिनेशन में अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये जीविका जो कमाते हैं प्रदान करते हैं उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। रोजी कमाना जैसे कि काम करते हैं रोज, उसे
क्यों करते हैं काम लोग, इसीलिए करते हैं कि वो अपना रोटी कपड़ा मकान खरीद सके, काम कर सके, रह सके, आराम से जीविका यापन कर सके। आज के लिए इतना ही, कल हम आपको बताएंगे कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, आर्थिक समस्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम कल आपको बताएंगे अगली क्लास में।